हे गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कैसे आप सब आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आज आगे मैं फिर एक वीडियो लेके और वीडियो का जो टॉपिक है इस बार आई थिंक आप सारी जो गर्ल्स हैं वो बहुत ज़्यादा खुश होने वाली हैं आज जो हूँ मैं लेके आई हूँ टू टू ब्राज़ बट ये जो है ये कोई नॉर्मल ब्रा नहीं है और जिसके बारे में मुझे भी अभी सिक्स मंथ पहले पता लगा है जैसा कि मैंने अपनी पहली वीडियोज़ में भी आपके साथ शेयर किया दैट आई एम अ हैवी बस्टी लाइक हैवी बस्टी मीन्स कि जो मेरा ब्रश साइज़ है वो नॉर्मल से थोड़ा सा हैवी है तो हमेशा मेरी कंप्लेन यही रहती थी ब्रास के साथ कि मुझे जो है थी ब्रा फिट नहीं आती मतलब लिटरली अगर मैं लोकल ले लूँ ब्रांडेड ले लूँ बट मैं कभी भी सेटिस्फाई नहीं हो पाती थी ब्रास से मुझे यही लगता था कि मतलब ये मुझे सूट शू, नहीं कर रही है मुझे फ़िट नहीं आ रही है मुझे जैसा फ़िट चाहिए था वो उस तरीके का फ़िट नहीं दे पा रही थी और अगर मैं बात करूँ मैंने दो हज़ार रुपये से लेके ढाई मतलब स्टार्टिंग मेरी मैंने ढाई सौ रुपये से की थी ब्रा की जो नॉर्मल मैंने विया करती थी मैं और मैं दो हज़ार तक की ब्रा पे गई हूँ बट वो मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिला और जो आपने जाना मना ब्रांड होगा मैं किसी की बुराई नहीं कर रही हूँ जस्ट मैं आपको बता रही हूँ जिवामी जिवामी से भी मैंने ऑर्डर की थी टू थाउजेंड रुपीज़ की बट वो भी मुझे सेट नहीं आई तो मुझे रिटर्न करनी पड़ी बट थैंक्स टू दीज ये ब्रांड जो है वो मैंने अभी सिक्स मंथ पहले जस्ट मैं इसको सिर्फ हमेशा स्क्रोल करती थी स्क्रोल करती थी बट मुझे सेटिस्फैक्शन मुझे मतलब कंफ्यूज हो रही थी मैं कह रही थी पता नहीं ये मुझे सेटिसफाई कर पाएगा नहीं कर पाएगा मैं डिस्क्लोज करती हूँ हमने ये लो ट्रायलो ब्रा आप कभी इंस्टा अगर आप स्क्रॉल करते हो फेसबुक स्क्रॉल करते हो तो आपको ये ज़रूर ब्रांड जो होगा आजकल इसके ऐड आपको दिखते होंगे तो मुझे भी और इनके ना सब ब्रांड्स बहुत हैं लाइक कृतिका अल्फा रीज़ा सरिता वेनिता एंड बहुत सारे ऐसे बहुत सारे इनके सब मतलब जैसे कि एक ट्रायलो इनका मतलब मेन ब्रांड है और इसके सब ब्रांड्स इनके अंदर इन्होंने कैटेगरी वाइज किया हुआ है एंड द मोस्ट थिंग मैं आपको बता दूँ अगर आप हैवी वस्टि हैं तो आपने नाम सुना होगा एक मिनिमाइजर और दूसरा ओमनीमाइज़र ये भी मैंने जो नाम है अभी सिक्स मंथ पहले ही सुना तो मैं समझ नहीं आता मिनिमाइजर तक का चलो समझ में आता है मिनी मिनिमाइज मतलब मिनिमाइज़ करना आपके ब्रेस का लुक वो ऐसा देंगे कि आपको ऐसा लगेगा कि आपके ब्रेस का जो लुक है वो आपको थोड़ा बहुत मिनिमाइज करेगा बट ओमनीमाइज़ का मुझे नहीं समझा तो ओमनीमाइज को मैं एक्चुअली इसलिए आपको ये स्टोरी बता रही हूँ अगर आप लोगों को लगे कि ये दिखा नहीं रही सिर्फ बता रही तो इसलिए क्या ताकि क्लियर हो जाए कि मैं किस टॉपिक पर बात करी ओमनीमाइज़ का मतलब होता है कि वो आपको एक मोल्ड लुक देती है लुक, लुक देती है, बट सीमलेस तो ये सब बातें हो गई अब मैं आपको दिखाती हूं कौन सी ब्रा मंगाई है सबसे पहले मैंने यहाँ पे मंगाई ब्रा क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि नहीं आएगी या क्या है तो ये इसकी पैकिंग है पहले मैं आपको बता दूं ट्रायलो ये इसका ब्रांड है और ट्रायलो में ये जो है ये मैंने मंगाई है, अल्फा मतलब इनका जो सब ब्रांड है अल्फा में ब्रा मैंने और वैसे मैंने इसका पहले साइज़ मंगाया था ये मैंने एक्सचेंज में, में मेरे पास आई है पहले मैंने मेरा साइज मंगाया था थर्टी टू डी तो एक्चुअली अब जो मेरा साइज़ भी लाइक मैं वर्कआउट कर रही तो मेरा साइज़ भी काफ़ी बस साइज़ मेरा काफ़ी कम हुआ है पहले वो मेरा थर्टी फोर आता था, था बट अब थर्टी टू आ गया बट थर्टी टू थोड़ा सा मुझे टाइट लग रहा था तो इसलिए अब आप मैं आपको दिखाती हूँ दैट मिनिमाइज़र ब्रा होती क्या है मिनीमाइज़र जब आप कोई भी ब्रा लेते हैं तो उसका जो ये कप साइज़ होता है ये थोड़ा सा शार्प लुक देता है आई थिंक आपको विजिबल हो रहा होगा और इसकी सबसे अच्छी आपको बात बताती हूँ कि आप इसकी सॉरी इलास्टिक देख सकते हैं कितनी ज्यादा ब्रॉड है और ये मैंने इसकी जो क्वालिटी देखी है वो है कि अगर आप कोई टाइट क्लोथ्स पहनते हैं लाइक अगर आप टी शर्ट्स डाली या फिर बॉडी कॉन ड्रेस डाली तो उसके लिए परफेक्ट फिट होती है क्योंकि एक तो ये सीमलेस है और दूसरा इसको आपको एक्स सपोर्ट मिलता है एक्स सपोर्ट का मतलब जो होता है वो मुझे बाद में समझ आया मीन्स कि आपके जो ब्रेस्ट होते हैं वो पार्ट डिवाइड होता है समटाइम्स अगर आप नॉर्मल ब्रा वियर करते तो आप देखते कुछ के बाद अगर आप कुछ वर्कआउट कर रहे हैं या फिर थोड़ी बहुत एक्टिविटी थी, तो वो जस्ट टच रहा है बट इसमें क्या है ये आपको आपकी जो आपके ब्रेस्ट है उनको पार्ट में पोर्शन में डिवाइड करके रखेगा फर्स्ट मैंने इसका ब्लैक कलर मंगाया था बट इस बार जो था कोई एक्सचेंज में आ, वो मेरा साइज नहीं मिल रहा था इसलिए मुझे पिंक मंगाना पड़ा और सबसे अच्छी बात क्या है अगर आप हैवी बस्टी हैं तो आपको ये फोर एक्स हुक मिल रहे हैं जो कि अगर आप देखते हो नॉर्मली दो मिल गए या तीन ना अभी तक ये मेरी सारी इस में तीन हुक होते थे बट इसमें फ़ोर हुक मिले मतलब आपको एक्स्ट्रा सपोर्ट मिल रहा है इलास्टिक आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी है तो ये सारी और दूसरा क्या है ये ब्रीथेबल है तो आपको ये दिक्कत नहीं होने वाली है कि और ये नॉन पैडेड है सबसे ज़्यादा मुझे ये लगता था कि मतलब मेरा ये मानना है कि मुझे पैडेड सूट नहीं करते मुझे ये लगता है कि चाहे वो लाइटली पैडेड ही शॉप वाले बोल दे या मैंने ऑनलाइन भी देखा है तो लाइटली पैड भी मुझे ऐसा लगता था fuller लुक आ रही है एंड मुझे भी fuller लुक बिल्कुल नहीं पसंद है मुझे हमेशा हमेशा से शार्प लुक ही पसंद आती थी तो ये जो चीजें हैं इसकी मुझे काफी अच्छी लगी और इसमें जो है इसमें मेरा साइज है 34 मैंने 32 मंगाया था तो वो 32 हल्का सा मेरे बस पे टाइट था इसलिए और इस अगर आपको इसका प्राइस बताते तो जस्ट 440 मतलब कोई भी 2000 के मुकाबले तो बहुत कम है अब जल्दी से दिखाती हूँ आपको दूसरी ब्रा जो कि मैंने मंगाई थी ओमनी माइजर की ओमनी माइजर की ब्रा में बस मुझे कुछ चीज़ें वैसे चीज़ें सारी जो है वो मिनी माइजर ब्रा की तरह ही हैं बस कुछ चीज़ें मुझे चेंज लगी हैं ये आप देख सकते हैं ट्राइलो और यहाँ पर आपको लिख भी रहा होगा यहाँ पर ओमनी माइजर लिखा हुआ है तो मैं आपको दिखाती हूँ और इसमें जो है इसमें मैंने थर्टी टू ही रखा मतलब उसमें मेरा थर्टी फोर आया बट इसमें मेरा थर्टी टू साइज़ भी मुझे काफ़ी अच्छा आया और मैं आपको दिखाती हूँ कि इसमें चेंज क्या है सब कुछ सेम है ब्राज़ में इलास्टिक वही है एक्स क्वालिटी वही दी है बट जो इसका ये कप जो जो कप एरिया है इसका जो फैब्रिक है उसके मुकाबले काफ़ी मोटा है तो आपके निप्पल भी इसमें थोड़े से शो नहीं होते लाइक अगर आप वर्कआउट के लिए भी लेते हैं तो आपके निप्पल शो की प्रॉब्लम इसमें दूर हो जाएगी और दूसरा जो है जो इसके स्टेप हैं ये क्वेश्चन स्टेप है नॉर्मली क्या होता था मतलब इतना वज़न हो जाता था कि मुझे ऐसा लगता था कि यहाँ पर जो ये एरिया हो गया मेरा यहाँ पर साइज़ जो जिसकी वजह से जो होता था बैंड साइज हमेशा यहाँ पे मेरे निशान जाते थे, बट आपके क्वेश्चन में आपको स्टेप मिल रहा है तो जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा रिलैक्स हो सकती है और सेम चीज़ इसमें भी है कि आपको फोर हुक दिए गए हैं और जो इलास्टिक है वो सेम है बट इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि ये जो आपका कपड़ा ही काफ़ी थिक है मतलब ये इतनी जल्दी खराब नहीं होने वाला है निपल शो वाली प्रॉब्लम नहीं है तो गाइज़ ये दोनों मैंने बहुत ज़्यादा इसके ऑप्शन नहीं मंगाए क्योंकि मुझे यही दो चीज़ें चाहिए थी एक मैंने ओमनी माइजर ट्राई करना था दूसरा मैंने मिनी माइजर ट्राई करना था क्योंकि ये मेरा फर्स्ट है और अगर आप देखते हैं कि अगर हम बस्ती गर्ल्स को अगर कोई भी बोल देता ना मिनीमाइजर ब्रा ले लो तो वो नॉर्मली क्या होती थी जो उसकी बस लाइन होती थी वहाँ पर आपको या फिर जो मिडल जहाँ पर निपल का एरिया होता है वहाँ पर वो एक सीम दे देते थे जिसकी वजह से लुक जो होता था टी शर्ट के साथ फिट नहीं आता था या बहुत सारे लोग बोलते हैं लाइटली पैडेड वेयर कर लो तो मैं उनको बोलना चाहूँगी हमारे लिए नहीं बनी है मुझे नहीं पसंद है तो गाइज अगर आप ये चाहते हैं कि एक ऐसी परफेक्ट ब्रा जो आपके लिए बनी हो थैंक गॉड ये दोनों ही जो ब्रा है ये मेरे लिए बनी हुई है और दोनों ही का साइज फिटिंग वाइज बहुत अच्छी है बहुत ज्यादा अच्छी है तो अगर आप भी हैवी वस्ती हैं और एक बार ट्राई करना चाहते हो तो ट्रायलो और ट्रायलो जो है आप इनकी डायरेक्ट वेबसाइट पर भी जाके चेक कर सकते हो और दूसरा अगर आपको लगता है तो फ्लिपकार्ट भी ट्रायलो है आप देख सकते हैं समटाइम्स अगर आप ऑफर देखना चाहें तो ऑफर भी मिल सकती है बट ये जो सॉरी हाँ मिनि ओमनिमाइजर का मैंने आपको प्राइस नहीं बताया इसका जो प्राइस है हाँ इसका जो प्राइस है वो 650 है और इसका 440 है मतलब मिनिमाइजर जो ब्रा है वो आपको 440 की मिलेगी और जो ओमनीमाइज़र है वो आपको 650 की मिलेगी दोनों ही ब्रा जो है वो 2000 से कम की है तो ये जो शॉपिंग है ये मेरे लिए बहुत बजट फ्रेंडली भी हुई है और सबसे अच्छी बात है कि ये जो है हाँ मेरी ड्रीम ब्रा जो है वो आ गई है और मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि फिटिंग वाइज बहुत अच्छी है तो, तो देट सॉल्व गाइज ये थी मेरी आज की वीडियो आई होप आप भी सेटिस्फाई होंगे इस वीडियो से और इसका जो लिंक है वो मैं कोशिश करूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे पाऊं, अदरवाइज आप फ्लिपकार्ट जाके चेक कर सकते हैं, ट्रायलो आप डाली ना ट्रायलो ब्राउ तो मिनिमाइज़र बहुत ऑप्शन मिल जाएंगे तो आप जरूर एक बार चेकआउट कीजिएगा मेरे कहने से दैट्स ऑल गाइड जल्द ही मिलते